दोस्तों आज की वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाली है जो भाई हमारे बॉडी बना रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बॉडी नहीं बन पा रही है। जी हाँ दोस्तों, केवल जिम जाने से या फिर एक्सरसाइज कर लेने से ही आपकी बॉडी नहीं बनती है। अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छी डाइट की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी डाइट जिसे फॉलो करने से आपकी बॉडी 100% बनने वाली है। तो आइए जानते हैं इस डाइट के बारे में। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिस डाइट की बात करने वाला हूँ वो है डाइट हमारी दही चावल। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी दही चावल जरूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दही चावल को आप खा रहे हो ये आपकी बॉडी बनाने में मदद कर सकता है? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस दही चावल को आप कभी कभी अपने शौक के लिए या टेस्ट के लिए खाते थे, अगर आप उसे रोजाना खाना शुरू कर देते हो तो ये कैसे आपकी बॉडी बनाने में आपकी हेल्प करता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो हमारा दही और चावल है इसमें आपको क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम दही लेते हैं तो उसमें आपको कैलोरी जो मिलती है वो है 98, और यहाँ पर प्रोटीन आपको मिल जाता है 11 ग्राम, और टोटल फैट जो आपको यहाँ पर मिलता है वो है 4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल फैट मिल रहा है 4 ग्राम यानी 4 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो भी 4 ग्राम मिलता है आपको ये दही से। ठीक है, अब हम बात करते हैं चावल की यानी राइस की। तो अगर आप 100 ग्राम राइस लेते हैं तो उसमें आपको 130 यानी 130 कैलोरी मिल जाती है, प्रोटीन आपको यहाँ पर 3 ग्राम मिल जाता है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ही भरपूर मात्रा मिलता है वो है 29 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप अपनी बॉडी को बल्किंग में ले जा रहे हैं यानी बल्क बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए वरदान साबित हो सकती है ये डाइट। ठीक है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें, आपकी बॉडी जल्द से जल्द बनेगी और आप इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी अपने बॉडी पर देख सकोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस डाइट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि आपको यहाँ पर 100 या 200 ग्राम चावल ले लेना है। ठीक है, या अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और उसमें उस चावल के अकॉर्डिंग आपको उसमें दही ले लेना है। कम दही नहीं लेना है, दही आप जितना ही लेंगे उतना ही आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए लाभकारी होगा, तो आपको उसमें दही ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें या तो शुगर मिलानी है या फिर आपको यहाँ पर सॉल्ट मिलाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उस समय आप इस डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं उनको चावल खाना बिल्कुल मना कर दिया जाता है और शुगर खाना भी मना कर दिया जाता है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उस समय आप इस डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए शुगर पेशेंट नहीं है तो उस समय आप इसमें शुगर मिला लें या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट मिला करके इसको खाएं। इस तरह से आपको इसे प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं कि इसे आपको कब कब लेना है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट कर रहे हैं यानी कि वर्कआउट के बाद आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद इसको लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों होगा दोस्तों? होता ये है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भारी भारी वजन उठाते हैं, तो उससे हमारे मसल्स और जो टिश्यू हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उनको वापस से हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें एक अच्छी डाइट की जरूरत होती है। तो इस डाइट को अगर आप पोस्ट वर्कआउट के बाद फॉलो करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट
देखने को मिलेगा। अब बात हम करेंगे कि आपको कितने समय तक इसे लेना है। तो दोस्तों यहां तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर इसको आप आज से ही लेना शुरू करते हैं तो मात्र 1 से 2 महीने, जी हाँ दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 1 से 2 महीने के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जहां आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए आप तुरंत छोड़ दें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। आपको इसे कंटिन्यू रखना है तब तक जब तक आप चाहें। जी हाँ दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कब तक फॉलो करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में भी मैं इसे फॉलो करता हूं। हाँ ये है कि मैं इसे डेली नहीं लेता हूं, लेकिन वीक में कम से कम 3 to 4 times मैं इसे जरूर फॉलो करता हूं और इससे मुझे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस तरह से इसे फॉलो कर सकते हैं और अपनी बॉडी बना सकते हैं। और मैं आपको यहां पर यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपकी बॉडी 100% बनेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। जी हाँ दोस्तों अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो आप इसे एक बार जरूर फॉलो करके देखें, और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो प्लीज आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा हौसला मिलता है, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट होता हूं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको भी देख करके एक विश्वास उनका बनता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और एक अपना प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।